नालागढ़ की बारियां पंचायत के एक ग्रामीण इन दिनों गांव में निर्मित निजी स्कूल के गंदे पानी से परेशान हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निजी स्कूल द्वारा शौचालय का पानी सड़क के साथ लगते नाले में छोड़ा जा रहा है, जिस कारण शौचालय की गंदी दुर्गंध के चलते उनका वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द गंदे पानी को बंद नहीं कराया गया तो आने वाले समय में क्षेत्र में महामारी फैलने का खतरा बना रहेगा। तो सर, इसके बारे में आपने देख ही लिया वैसे तो इसका, जबकि स्कूलों में बच्चों को भी समझाया जाता है कि साफ सफाई के माध्यम के रूप में जो भी है साफ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन ये खुद स्कूल वाले इतना गंद डाल रहे हैं, यहाँ पे लोकल लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है यहाँ पे, जिसकी कोई हद नहीं है। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं सर कि इसको सीवरेज डाला जाए, बकायदा इसको ब्लॉकेज जो भी है इनकी उसके लिए एक टैंक बनाया जाए। हम फिर से सरकार के पास ही जाएंगे, हम SDM साहब के पास जाएंगे, और हम कहाँ जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे फिर कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, इसके जो भी है अमल लिया जाए इसके, क्योंकि यहाँ पे लोगों को आपने देखा ही कोरोना का भी कितना बड़ा वो चला हुआ है, और ओपन में तो जितना गंद होगा मक्खी मच्छर का होता ही है। तो ये चीज़ें सारी अगर इसको ढंग से किया जाए, सीवरेज वगैरह डाली जाए, टैंक बनाया जाए, तो ये सारी गंदगी सफाई की जा सकती है इसकी। मैं वार्ड पंच बारियाँ से सुमन शर्मा बोल रही हूँ। ये जो गुरुकुल वाले हैं हमारे गांव में, जो मतलब कि ये गंदा नाला बना हुआ है, इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। गाँव वासी को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आने जाने वालों को भी काफ़ी दिक्कत है, इससे काफ़ी बीमारियाँ फैल सकती है। सरकार से यही दरख्वास्त है हमारी कि मतलब कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पानी बंद किया जाए इनका, या कहीं पे भी अपना स्टोरेज बना। टॉयलेट का पानी आ रहा है सर, पहले भी इनको बोला गया लेकिन इन्होंने कोई गौर नहीं की। हाँ जी, पहले भी कोई सुनाई नहीं थी। रविंद्र कुमार, उप प्रधान ग्राम पंचायत बारियां। जो हम गुरुकुल स्कूल के आगे खड़े होकर के इस बात को बोल रहे हैं कि जो गुरुकुल स्कूल की गंदगी है, ये ओपन ही नाले में जा रही डायरेक्टली, और ये गंदगी जो है, या तो इसका स्टोरेज टैंक बनाया जाए कहीं, या इसको कहीं 2-3 किलोमीटर की दूरी पर सीवरेज द्वारा फेंका जाए, ताकि इस गांव के अंदर पूरी बीमारी फैलने का डर है, जैसे कोरोना महामारी का भी चला हुआ है। हम ये चाहते हैं कि ये जो गंदगी खुले में जा रही है, इसको सीवरेज द्वारा बंद किया जाए, नहीं अन्यथा हम पूरी पंचायत बॉडी और जनता को साथ लेकर के इसका पूरा जो विरोध करते हैं। गुरुकुल स्कूल से निवेदन करते हैं कि आप शीघ्र इस सीवरेज को डालें, ताकि हमारे गांव, स्थानीय गांव बारियां में और हमारी पंचायत में गंदगी ना फैले। इसके लिए हम जो हिमाचल प्रदेश की सरकार से गुहार लगाते हैं कि इस पर शीघ्र कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके साथ हम प्रधान, उप प्रधान, सभी मेंबर जो भी है यहाँ पर खड़े, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं अपनी पंचायत की ओर से। इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के पास जाएंगे, इनके ऊपर चाहे हमारे को कोर्ट तक ना जाना पड़े, लेकिन गंदगी तो इनको बंद करनी होगी। अपना स्टोरेज करें चाहे सीवरेज डालें, हमारे को इनसे कोई लेना देना नहीं। हमारे गांव में खुले में गंदगी नहीं होनी चाहिए, ताकि बीमारी ना फैले। हम यही, मैंने खुद उप प्रधान होने के नाते इनकी शिकायत भी की, उस शिकायत के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हम फिर दोबारा से गुजारिश करते हैं कि इन गुरुकुल स्कूल के ऊपर उचित और कड़ी कार्रवाई होने के SDM माध्यम से SDM के पास शिकायत की थी, उपडौरी जी को मार्को के आई हुई है, उन्होंने कोई अभी तक उस शिकायत का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उसके फिर कोई गौर हुई। तेजिंदर कौर, ग्राम पंचायत बारियां से बोल रही हूँ कि ये जो नाला इन्होंने गुरुकुल स्कूल वालों ने निकाल रखा है, ये या अंडरग्राउंड किया जाए और कोई टैंक वगैरह यहाँ बना दिया जाए। मेरे पास रोज़ कंप्लेंट आती है हमारी पंचायत की, सुबह शाम हम लोग जाते आते हैं तो यहाँ से जाना बहुत मुश्किल होता है। कई दिनों से बार बार कंप्लेंट आ रही है, तो मैं हाथ जोड़ के हिमाचल सरकार को मैं ये गुजारिश करती हूँ कि इनका कुछ ना कुछ इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हाँ, मैं सारंग
यहाँ पर संवित गुरुकुलम में पिछले 4 वर्षों से एज ए स्टेट मैनेजर के तौर पर काम देख रहा हूँ। अपने यहाँ 2019 में गुरुकुल बनकर जब तैयार हो चुका था, तो उसके बाद से आज तक जो गांव के सभी पंचायत के सदस्य थे या बाकी लोग थे, उनके साथ हमारी काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है और हमने उनको ये दिखाया हुआ है कि जो हमारे टॉयलेट्स है उसका पानी जो है हमने अलग अलग टैंक्स बनाए हैं। इसमें जो शॉवर एरिया है जिसमें बच्चे अपने यहाँ हॉस्टल होने के कारण नहाते हैं, उसका जो ओवरफ्लो टैंक है उसका पानी केवल बाहर जाता है, इसलिए शॉवर एरिया या उसके पानी से वो स्मेल की दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हमारा एक गैस पाइप, अभी जो बीच में सिविल वर्क के कारण नहीं हो पाया था, जो हमने उनके साथ भी बात की थी और हमने हाइट बढ़ा दी थी उसकी 15 फीट, फिर भी हमें बाद में लगने लग गया कि जो 15 फीट की हाइट है वो हमें उसे और बढ़ानी चाहिए। तो हम केवल उसी काम को पूरा करने के बाद ये जो बीच में कभी कभार ऐसी स्मेल की उनको समस्या लगती है वो भी ठीक की जा सकती है। टॉयलेट का आउटलेट जो है वो हमारे यहाँ 2 गेट है और उसके 2 टैंक्स हैं, तो उस 2 टैंक के हिसाब से उसका जो है वो अलग ही हमने स्टोरेज रखा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि एक तो जो ओवरफ्लो टैंक है, ओवरफ्लो टैंक हमने 2 ये अलग अलग की है और जिसमें शॉवर एरिया और टॉयलेट एरिया ऐसे 2 अलग ये की है, तो उसमें से बाहर जाने वाला पानी केवल उसी का जाता है शॉवर एरिया का। टॉयलेट का इसमें जो है वो हम यहीं पे टैंक खाली करवाते हैं और यहीं से टैंक को उसको दोबारा क्लीन करवा लेते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वेस्ट मटेरियल कभी बाहर जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि वो हमने प्रोविजन ही उस तरह से रखी है। तो भी जो है वो पाइप का ही इश्यू है, तो ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो मुझे जहाँ तक लगता है ये हम ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं जिससे इनको सॉल्यूशन निकल गया था, बीच में वो किसी काम के कारण वो टूट गया तो फिर से दोबारा दिक्कत आई होगी, वो फिर से 8-10 दिन में आपको वो चेंज करके और हम उसकी हाइट बनाकर बढ़ाकर वहाँ पर लगवा देंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।